हुजूर मेरे दो सवाल हैं जी। एक पहला सवाल तो ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कुरान करीम में कोई ऐसी आयत है जिससे स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स को सपोर्ट मिलती हो, और दूसरा सवाल जो है अच्छा। वो ये है कि औरतों को हमारे जलसे सालाना में या और ओकेजन्स में उनकी तकरीर को हम मर्दों में रिले कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि पहले सवाल पर तो कई आयात हैं जी, और हजरत दाऊद वाली आयत जो है वो बसपसंद से लेने वाले जिस्मा जिसमें है जिसमें। अच्छा ठीक है, तो वैसे भी वो कुरान ये तो नहीं, एक और भी है नहीं, मगर ये स्पोर्ट्स वाली बात नहीं बनती। इनका जो सवाल है घोड़ों वाला है, हाँ वो आया था खेलेंगे, वो बच्चों की खेल है, वो बच्चों वाली नहीं नहीं उन्होंने बताया जवान थे नहीं नहीं तो मुहावरा है अल्लाह, मतलब है कि वहाँ जाके जरा खेल कूद करें जरा। ये जो इनका इनका मकसद ये है कि स्पोर्ट्स को यानी जिस्मानी मुकाबलों को सपोर्ट देने वाली कोई आयत है जिससे कथित तौर पर साबित हो। एक आयत है बुनियादी तौर पर, लिकुल्ली विशतुन हुआ मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, कि हर कौम को खुदा तआला ने एक नस्मुल ऐन दिया है और तुम्हें ये देते हैं कि तुम हर अच्छी चीज में एक दूसरे से सबकत लेके जाओ। तो खेलों का मौजू, चूंकि खेल भी अच्छी चीज है, खैरात के अंदर आ जाती है, इसलिए कुरान करीम ने सिर्फ खेलों की इजाजत नहीं दी बल्कि खेल में एक दूसरे पर सबकत ले जाने का हुक्म फरमाया और उसे अपना नस्ल ऐन करार दिया। एक तो ये, दूसरे ये कि आंगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से साबित किया कि कुरान का यही मफहूम था, क्योंकि आपने वहाँ गटका खेलते हुए अपने महात्मा ममीन को अपने अजवाज मुताहरात को भी दिखाया, खुद हिस्सा लेते थे दौड़ में, आयशा सदीका से भी दौड़ते हुए एक दफा पीछे रह गए थे तो दूसरी दफा जीते तो आपने फरमाया कि उसका बदला है और फिर घुड़सवारी में तेज तेज घुड़सवारी के मुकाबले होते थे और जब कोई खतरा होता था तो साहबा पहले पहुंचने की कोशिश करते थे, और रवायात में आता है कि आंगल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पहले पहुंच जाया करते थे। मदीने में एक रात आवाज़ आई, शोर पड़ा तो साहबा दौड़े तेजी से कि हम निकलें, तो पता लगा कि रसूलुल्लाह सल्लम जब ये अभी पहुंचे भी थे तो वापस आ रहे थे। तो हर सेहतमंद दौड़ में आंगल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते थे और दूसरों को तलकीन फरमाते थे। तो फसल खैरात की अमूमी हदायत के नीचे ही आए। फिर हजरत दाऊद के मुतालिक आया है, इनको जिस्म में भी फजीलत दी, सिर्फ इल्म में ही नहीं दी। वो तो जहाद का खास मंजर है ना, उसके लिए सिर्फ खेल कूद वाला हिस्सा नहीं है। हाँ वो है, वो तो ठीक है, क्या आए पड़े ना वो घोड़ों से जो प्यार था हजरत दाऊद का जी। और वो भी एक स्पोर्ट ही है ना जी। उसको आपने यानी सिर्फ घोड़े पाले नहीं हुए थे बल्कि बुलाते थे और उनको थपकते थे, उनकी गर्दनों पर और उनकी टांगों पर हाथ मलते थे, और फिर उन जब चले गए तो अभी शौक पूरा नहीं हुआ था, दोबारा बुलवाया और कहा कि ये अन ज़िक्र रब्बी, ये मैं अल्लाह की मोहब्बत और खुदा की याद के नतीजे में ये काम कर रहा हूँ। जिसमें ये सब दो सबक मिल गए, एक तो स्पोर्ट की इजाज़त है घोड़ों से प्यार और मोहब्बत की, दूसरे ये कि अगर खुदा के जिक्र की मिलौनी हो जाए तो वही इबादत भी बन जाती है। तो मोमिन के खेलने भी इबादत बन सकते हैं अगर वो अल्लाह की खातिर करे। क्योंकि हज़रत मुसीब अलैहिस्सलाम का एक वाक़ आता है सियालकोट के क़याम के दौरान, एक सिख के मुतल सुना था कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है
تو آپ نے بشق شروع کی اس غیرت کے اظہار کے لیے کہ مسلمانوں سے کیوں آگے نکلے کوئی اور. چنانچہ آپ نے روایت کے مطابق, مجھے اس کی روایت کی سند کا پورا پتہ نہیں ہے یقینی طور پر, لیکن جو اب تک جماعت میں مشہور ہے وہ یہی ہے کہ پھر اس کو شکست دی اور پریکٹس کر کے باقاعدہ. تو جس سنت کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمارے لیے جاری کیا آن سلم کے ایک کامل غلام کی شکل میں, اس سے بھی یہی استنباط ہوتا ہے کہ مقابلے کی روح اور اچھی چیزوں میں آگے بڑھنے کی دوڑ اسلام نے ہمارا نسل العین بنا دیا ہے. بابو قاسم الدین صاحب بڑے یقین سے روایت بیان کرتے ہیں اور وہ مقام بھی بتاتے ہیں کہ یہاں سے اسٹارٹ ہوئے اور وہاں تک دوڑے. اچھا, بابو قاسم الدین صاحب کی اتنی عمر ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوں, انہوں نے سنا ہوگا کسی سے؟ جی 94 سال ہے. 94 سال. اچھا, تو یہ سیالکوٹ کے زمانے تک تو نہیں پہنچتے, پھر بھی نہیں پہنچتے. سابق ہاں, تو یہ وہ وہاں ہے مسئلہ, یہ جو آیات ہیں ان میں سابقات سبکن کو ان کھیلوں کے ساتھ تیرنا اور سمندر میں وتزنی اور کشتیاں چلانا ان کے ساتھ سابقات سبکن کہہ کر دراصل اسی آیت کی مزید تشریح ہوگی کر دی ہے کہ فاستبقوا الخیرات, اس میں یہ بھی شامل ہے خیرات میں چیزیں. ظہور مہدی آخر زمان